तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एक बार, अभी खोल लेते हैं इसको यहाँ से। हे YouTube फैमिली, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज फिलहाल इस वक्त मैं अपने घर पर, आप देख सकते हैं भाई, और मैंने Flipkart से एक LCD ऑर्डर की थी, उसका फोन कॉल मुझे आ चुका है, तो अब मैं उसको लेने जा रहा हूँ। भाई साहब अभी लेने चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपनी LCD आ चुकी है, अभी मैं लेने जा रहा हूँ दुकान से। मैंने एक दुकान पर रखवा दी थी, मेरा रिलेटिव एक, तो मैं उसके पास से लेने जा रहा हूँ, अभी आ गया हूँ। चलो फिर ले लेते हैं और आपको घर मिलते हैं। तो फाइनली गाइज मैं लेके आ चुका हूँ अपनी LCD, आप देख सकते हैं भाई साहब, और मैंने Flipkart से मंगवाई है, ठीक है। और ये पड़ी है मुझे लगभग 3300 रुपये की, ठीक है, सब डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगा के। और अभी अभी लेके आया हूँ, ठीक है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने अनबॉक्सिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि टूट फूट भी हो सकती है अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने OTP तो दे दिया उसे, यानी कि डिलीवर करवा ली है। अब देखते हैं कैमरे के सामने इसकी अनबॉक्सिंग, आपको दिखाते हैं कैसे ये निकलेगी अंदर से, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एक बार, अभी खोल लेते हैं इसको यहाँ से। पहले चेक कर लेता हूँ कहाँ से खुलेगी भाई साहब। चलो यहीं से खोल लेते हैं। तो गाइज मैंने आपको LCD की अनबॉक्सिंग तो दिखा दिया, आपको अनबॉक्सिंग कैसी लगी और मेरी LCD कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट किया करो ज्यादा से ज्यादा। और अभी वक्त हो चुका है भाई, देख लेता हूँ एक बार, 5:56, ठीक है। तो अभी बैठा हूँ आराम से, और अभी गुग्गा बाबा से आया था, जाड़ा लगवा के आया था, क्योंकि एक जाड़ा और रह गया मेरा, एक अब लगवा के आया और एक कल लगवा के आया था, ठीक है। आपको मतलब कि थोड़ा सा चला कर दिखाता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, एक बार देखो मेरा कंप्यूटर कैसा है। तो गाइज आप सामने से देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता अपना सेटअप भाई, छोटा सा, छोटी सी LCD अपनी, छोटा सा कीबोर्ड। चलो देखते हैं इसको चलाकर ऑन करते हैं। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं अपना कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है भाई, स्टार्टिंग विंडो, और अभी देखते हैं, अभी प्लीज़ वेट, वेलकम, और फिर ऑन होगा। माउस को उठा लेते हैं, देखो आ चुकी है विंडो स्क्रीन। थोड़ा सा वैसे एक रिफ्रेश कर लेता हूँ, वैसे ज़्यादा रिफ्रेश करने से कुछ नहीं होता, एक कर लिया। और माउस मेरा ऐसा भाई देख सकते हैं आप, वायरलेस माउस लिया हुआ है मैंने, देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। और गाइज अब इस कंप्यूटर में आराम से क्लास लगाया करेंगे, क्योंकि मेरी पिछली LCD थी नहीं जो, वो यार धुंधली हो गई थी यार, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था उसमें, कुछ भी फॉन्ट नहीं दिख रहे थे उसमें यार। और अब इसमें आराम से क्लास लगाएंगे अपनी अच्छी सी। और अब इसका मैं एक लेके आऊँगा स्पीकर, ठीक है, 300 रुपये का आ जाएगा एक स्पीकर, मतलब ठीक सा आ जाएगा, अच्छी आवाज़ आती है, तो वो लेके आ जाऊँगा अब इसका मैं, और आराम से अपना सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आराम से काम करेंगे अपना। और गाइज हाँ आपको एक और बात बताता हूँ, पहले मैं फ़ोन में एडिटिंग करता था, लेकिन अब PC में एडिटिंग करेंगे। एक फिल्मोरा सॉफ्टवेयर होता है, मैं उसको डाउनलोड करूँगा और फिर उसमें एडिटिंग सीखूँगा मैं, तो मैं फिर फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में एडिटिंग किया करूँगा, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको दिखाया करूँगा, ठीक है मैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं कुछ अलग कंटेंट भी बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, मैंने सोच कर मंगाई है LCD, तो अभी करेंगे इसको यूज अच्छे से। और गाइज आप मुझे कमेंट में बता दिया करो कि मैं वो लोग थोड़े से लंबे बनाऊँ या फिर छोटे छोटे ही रखूँ, ठीक है, कमेंट में बता दिया करो। तो फिर अभी मैं एंड कर देता हूँ लोग का, तो आई होगा जो लोग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चले गाइज मिलते किसी अगले लोग में, अब के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी हाथ नहीं मार सकता मैं इसके स्क्रीन पे, क्योंकि हाथ नीचे दबा हुआ है और हाथ मेरा दुखता भी है, देखो ये। तो चले ऐसे ही बाय। तो फाइनली गाइज मैं ले आया हूँ LCD। तो फाइनली गाइज मैं